Journalism, इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट थे पॉइंट कौन कौन से कि टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल। इसके बाद इसमें जो पहला टॉपिक आता है वो आता है तुम्हारा कौन सा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और ये उसी कंसेप्ट पर है बेटा बेस्ड कि कोई भी कॉइल अगर किसी फील्ड में एक्सटर्नल फील्ड में होती है बाह्य क्षेत्र में तो उस पर एक टॉर्क अप्लाई होता है टाउ इज इक्वल टू एम वी और इधर एन वी आ जाएगा है ना इज इक्वल टू चीज हो जाएगा। हां बेटा यहां पर एम वी और यहां पर साइन अल्फा। अब इसमें क्या है तो जो जो गैल्वेनोमीटर है ना उसमें यहां पे होती है चुंबक एन और एस इसके बीच में होती है यहां पे कॉइल क्या कॉइल और यहाँ पर ये सस्पेंडेड है और इससे यहाँ पे कनेक्ट होती है एक स्प्रिंग और यहाँ पे होता है एक स्केल जैसे एक दो तीन चार पांच ऐसे है और यहाँ पर होता है इंडिकेटर इस टाइप से। बस ये इसके सबसे इजी स्केच है और जैसे ही इसमें क्या है कि जैसे ही इसमें करंट फ्लो होती है तो इस पर एक टॉर्क आ जाता है ऐसे ये घुमाता है इसको ऐसे और इस कॉइल जब ये कॉइल घूमती है तो ये भी घूमता है ऐसे है ना। तो यहाँ पर तुम्हारी बेसिक चीज क्या है कि टॉर्क इज इक्वल टू एम की जगह पे एन आई ए इनटू बी साइन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 90 बेटा कैसे आएगी। इसमें जो फील्ड होता है वो होता है स्पर्श रेखीय हाँ बेटा रेडियल होता है त्रिज्य होता है इससे क्या होता है कि इससे टॉर्क की वैल्यू सबसे अधिक होती है मैक्सिमम। तो इस वाली कंडीशन में क्या होता है इस वाली कंडीशन में यहाँ पर आपका अल्फाबेट बिकम 90 तो टॉर्क इज इक्वल टू आता है तुम्हारा एन आई ए बी। अब जो इससे जो स्प्रिंग अटैच है जब ये घूमता है तो ये क्या करते हैं इसका अपोजिशन ठीक है ना बेटा और जैसे तुम इसे क्या करते हो ऑफ तो ये फिर से वापस अपनी कंडीशन में आ जाता है। तो अब हम यहां पर मानते हैं कि माना कि स्प्रिंग का एकांक कोण पर पेस्टोरिंग टॉर्क प्रत्यानयन बनाव क्या है के है। लेट द रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट क्रिस्टिया एंगल इज तो अगर यहां पर अगर बेटा एंगल जो है इफ एंगल एंगल इज थीटा क्या है ये कोण थीटा है तो टॉर्क की वैल्यू आ जाए के इनटू थीटा और ये के इनटू थीटा विल बी इक्वल टू एन आई ए इनटू बी के बराबर तो थीटा विल बी इक्वल टू एन आई ए बी अपॉन में के तो थीटा विल बी इक्वल टू यहाँ से अगर मैं अलग कर लूं एन ए बी अपॉन के को इनटू आई ये चारों क्या है कांस्टेंट तो थीटा विल बी डायरेक्टली टू आई। इसका सेंस आता है जितनी करंट ज्यादा उतना डिफ्लेक्शन ज्यादा उतना एंगल ज्यादा ठीक है बेटा। अब यहाँ से तुम्हारा आता है इसी का टॉपिक अगला आता है सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। पहली आती है करंट सेंसिटिविटी मतलब धारा शुभ्रायता तो आई एस इज इक्वल टू आता है आपका थीटा पर ठीक है थीटा की वैल्यू क्या है आपकी एन ए बी अपॉन के इंटू आई अपॉन आई पढ़ देते हैं
तो आई एस विल बी इक्वल टू एन ए बी अपॉन लेंगे। इसलिए अगर तुम्हें इसको ज्यादा सेंसिटिव बनाना है तो एन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ए की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, बी की भी ज्यादा ही होनी चाहिए, लेकिन ए की वैल्यू कम होनी चाहिए। सेंसिटिविटी वी एस इज इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा कितना, थीटा अपॉन में वी। तो वी एस इज इक्वल टू और वी इज इक्वल टू आई आर और थीटा अपॉन आई की वैल्यू है कि कितनी थी, एन ए बी अपॉन में के इन टू आर। ये होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब इससे आगे इसमें क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, इनटू अमीटर जी मारे इसे टेलीविजन मारे गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना, ठीक है भाई। अब इसमें तुम्हारा क्या क्या है कि बेटा इसमें क्या है कि अगर हम इसमें गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में के समांतर में बहुत कम प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं, जोड़ते कनेक्ट ए वेरी लो रेजिस्टेंस वायर इन पैरेलल, और इस वायर को हम बोलते क्या है, शंट, ठीक है ना। तो अगर गैल्वेनोमीटर है यहां पर इसके पैरेलल में कनेक्ट हुआ इधर शंट, मान लेते यहां से करंट आ रही है आई, आई जी करंट इसमें गई तो इसमें आई माइनस आई जी माइनस आई जी। अब यहां पर क्योंकि जी एंड एस, ये जी और एस आर इन पैरेलल, तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज भी सेम होंगे, ठीक है, तो वोल्टेज सेम है तो आई जी इंटू जी इज इक्वल टू वी एस की वैल्यू आई माइनस आई जी इंटू एस, ठीक है ना। तो यहां से हम एस की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर आई जी की भी, तो एस की वैल्यू आ जाएगी आई जी इंटू जी अपॉन में आई माइनस आई जी, ठीक है ना। दूसरा अगर हमें वैल्यू निकालनी है इसकी आई जी की, तो आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस, इसको ले आओ इधर आई जी कॉमन जी प्लस एस इज इक्वल टू आई इंटू एस, तो वैल्यू आई जी की आई इंटू एस अपॉन जी प्लस एस, ये तुम्हारी आई जी। अब यहाँ पर अगर ये इस टाइप से तुमने अरेंज कर दिया है ना, तो ये पूरा जो अरेंजमेंट होता है इसको हम बोलते हैं अमीटर, ठीक है। इसके बाद आता है टू कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर इनटू वोल्ट, वोल्ट मीटर में बदलना है तो इसके श्रेणी क्रम में बहुत अधिक प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, ठीक है भैया। किस टाइप से, यहां से अगर ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है तो यहाँ पर जैसे हम बोलते हैं आर एल, आर एल का अर्थ क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस। तो इस टाइप से ये क्या है फिर तुम्हारा, ये जो कंबाइंड अरेंजमेंट बनता है इसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। और इसमें एक बात इंपॉर्टेंट और कि अमीटर को हमेशा
अमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ, इन दोनों में वैल्यू ऑफ आई करंट की वैल्यू सेम हो गई, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज वीजी और इसके अक्रॉस वीएफ, ठीक है ना। तो अगर करंट की वैल्यू कैसी है, सेम है, तो यहां से तुम्हारा आई मतलब आई जी इज इक्वल टू आई एल, तो वी जी अपॉन में जी, और यहां से आ जाएगा क्या रे, वी एल अपॉन में आर एल। तो यहां से हम आर एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, वी एल इंटू जी अपॉन में वी जी, बस बंद कर रहा।